नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार पूरे देश भर का अन्नदाता दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले हुआ है। मोदी सरकार है कि किसानों की मांगे मानने को राजी नहीं हो रही, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इन धरना स्थानों पर किसानों की मौत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। आज सोनीपत सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई, जो पंजाब के मोहाली जिले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि करीब 70 वर्षीय किसान गुरमीत सिंह 6 दिसंबर से लगातार सिंधु बॉर्डर पर अपने किसान भाइयों के साथ डटा हुआ था, जिसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया। उनका गुरमीत था जी। कहाँ के रहने वाले थे? गाँव कंडाला, पंजाब। पंजाब कौन सा जिला है? जिला मोहाली है जी। ये कैसे क्या हुआ इनको? इनको कुछ नहीं हुआ जी, सुबह खाना खाया इन्होंने, सब कुछ ठीक था। थोड़ी देर छाती में दर्द हुआ, जो ये धरने में डॉक्टर बैठे हैं उनसे दवाई खुद जाके लेके आया। दवाई लेने के बाद उसके बाद दर्द इनका बंद नहीं हुआ, तो हम लोग डॉक्टर को लेके आए जो इनके साथ थे। डॉक्टर ने आके बस 10 मिनट में ही बोल दिया कि हार्ट अटैक हो गया इसको। तो भाई कितनी उम्र थी इनकी? उम्र इनके करीब 65 साल के करीब होगी। कब आए थे ये वहाँ से, पंजाब से यहाँ? ये 5 तारीख को हम चले थे जी, गांव थे। अच्छा, हम आए करीब 6 तारीख को सुबह। 6 तारीख से यहीं थे लगातार? यहीं थे। सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, अभी 12 बजे के आसपास आई थी सुबह, तो नहीं, और आफ्टरनून में कि एक किसान की मृत्यु हो गई है। हर जगह तीर रुकने से हम मौके पर पहुँचे और फटाफट उसको सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, अभी कार्रवाई जारी है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? गुरमीत सिंह नाम था और कंडाला गांव मोहाली जिले से। कितनी उम्र होगी इसकी? कम उम्र इनकी तकरीबन करीब 70 वर्ष, 5 तारीख से आई। टोटल सिंघू बॉर्डर की बात करें अभी तक किसानों की, कितने किसानों की मौत हुई यहाँ पर अब तक? हृदय गति रुकने से ये 4 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। मृतक किसान के साथ ही गुरमीत सिंह ने बताया कि वो 6 दिसंबर को मोहाली से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और आज सुबह गुरमीत सिंह जब खाना खाकर टहल रहा था तो अचानक से उसके सीने में दर्द हुआ, तो उसने डॉक्टरों से दवाई भी ली लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक से किसान की मौत हुई है। किसान की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनका पूरा परिवार सदमे में है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।